विकासखंड महला की ग्राम पंचायत धिमला धरेड़ी खंड में अभी तक पुल का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, जिस कारण लगभग 2000 की आबादी अपनी जान जोखिम में डालकर खंड को आर पार करती है। वर्ष 2007 में बकानी से कलवारा हेतु सड़क का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था, जिसके साथ ही धरेड़ी खंड में मोटर योग्य पुल का निर्माण कार्य भी होना था, मगर 17 साल का लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी इस खंड पर पुल का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। स्थानीय प्रधान ने अपनी जनता के साथ मिलकर कई बार लोक निर्माण विभाग व जिला प्रशासन से इस विषय में अनुरोध किया है, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है। लोक निर्माण विभाग मंडल भरमौर के अधिशाषी अभियंता मीत कुमार शर्मा का कहना है कि बहुत जल्द स्टेट बजट में इस कार्य को डालकर धनराशि का प्रावधान किया जाएगा और साइट विजिट कर हाइड्रो डाटा तैयार किया जाएगा, ताकि जल्द पुल का निर्माण कार्य आरंभ किया जा सके। कई वर्षों से हमारी मांग है कि धरेड़ी खड्ड में पुल का निर्माण होना चाहिए, मगर अभी वहां पुल नहीं बन पाया है। सरकार व विभाग को जल्द से जल्द इस खड्ड पर पुल बनाना चाहिए, ताकि यहां कोई अनहोनी घटना ना हो। ये जो खड्ड है, ये पिछले साल भी काफ़ी भयंकर लेकर आई थी। ये देख सकते हैं नीचे खड्ड, ये जो खड्ड है यहाँ से। हमारी धरेड़ी खड्ड में पुल की बहुत ज़्यादा समस्या है। पुल ना होने के कारण स्कूल के बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और जो बूढ़े बुजुर्ग आते हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और स्कूल को जाते बच्चों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। कभी तो पानी इतना बढ़ जाता है कि हमें खुद 8 किलोमीटर नीचे आकर के बच्चों को पीठ पर उठा करके उस पानी को दूर करना पड़ता है। और हमारी सरकार से ये प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस काम को आरंभ किया जाए।